1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. तो 11 यहाँ पे आइटम है और मे बी इससे ज़्यादा भी हो, एक में दो भी हो, और बहुत ही ज़्यादा सस्ते सस्ते हैं, लाइक 150, 120, 180, 220 इस तरह से मैंने लिए हुए हैं, वो भी कोरियन टॉप्स। कोरियन टॉप्स मुझे मीशो में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिले। अब कैसे आए हैं वो तो अभी देखूंगी, कैसा अच्छा लगा नहीं लगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ऑल्सो मैंने ड्रेसेस भी लिए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत कोरियन ड्रेसेस, स्कर्ट्स, सभी चीज़ें मैंने मंगाई हुई है। इस वीडियो में आपको टोटल ना वेस्टर्न वेयर देखने को मिलने वाला है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और समर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि समर आने वाला है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, स्कर्ट, ड्रेसेस, टॉप्स वगैरह काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट मेरे हाथ में लगा है एक स्कर्ट, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल जो मटेरियल होता है ना वो है। इसकी आप अच्छी क्वालिटी वगैरह मिंत्रा या फिर अर्बैनिक से लोगे ना, वो थोड़ा थिक मटेरियल में आता है, जो थोड़ा डेनिम टाइप का या फिर थोड़ी जूट मटेरियल टाइप में आता है, तो थोड़ा थिक होता है। ये थिक नहीं है, ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, और आई थिंक ये पॉलिस्टर मिक्स फैब्रिक, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का फैब्रिक है। यार मेरे दिन में वीडियो बनाना मुश्किल हो गया है, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक यहाँ कंस्ट्रक्शन ही होता रहता है। काफ़ी स्ट्रेचेबल मटेरियल है, बट हाँ समर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें मैंने साइज़ लिया हुआ है मीडियम साइज़, जो है ये आपके नी के थोड़े ऊपर तक आएगी, तो आप इस साइज़ पहनने में कंफर्टेबल हो तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है क्योंकि ये 200 रुपीज़ के अंदर है। नाउ नेक्स्ट, ओके, ये भी है एक 2 पीस का सेट, जो कि एक डेनिम ड्रेस और साथ में शर्ट है। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल लग रहा था, बहुत गंदी केमिकल की बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा वाली। अब ये केमिकल की बदबू है या फिर ऐसे रखे हुए के कारण है पता नहीं, बट बहुत गंदी बदबू आ रही है इसमें से, मतलब बहुत ज़्यादा जो केमिकल वाला स्मेल होता है ना वो। तो अरे यार, तो इस तरह से है ये ड्रेस। मैं पहन के दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगी मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही है इससे, और इससे नहीं आ रही है, वो डेनिम वाले से ही आ रही है। ऊपर के साइड में कुछ इस तरह का वेयर करने के लिए था शर्ट, तो स्टाइल पैटर्न तो काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा स्मेल आ रहा है इसमें से, तो धूप में रख करके ही इसको पहनना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज़ तो कोई बेहोश हो जाए उस तरह की गंदी सी स्मेल केमिकल की आ रही है उसमें से। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी एक स्कर्ट है, ये मुझे देखने में तो काफ़ी अच्छी लगी थी और है भी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है। तो कुछ इस तरह की प्लीटेड स्कर्ट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसमें कलर्स भी थे, मैंने यहाँ पे पिंक में लिया हुआ है। मैं बचपन में ना, मैं बचपन क्या 10th से पहले मैं इस तरह की स्कर्ट पहना करती थी विथ ब्लैक टॉप, मुझे बहुत पसंद था वो ड्रेस। वो स्कर्ट इससे डिफरेंट थी थोड़ी, मतलब इसमें इस टाइप से प्लीट्स बने हुए हैं ना, उसमें लेयर्स में थे, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था, वो भी डेनिम मटेरियल में था, तो उसी के याद में मैंने इस स्कर्ट को लिया हुआ है। पहन के देखती हूँ मुझमें होता भी है या नहीं, या बहुत छोटा होता है, बट आई थिंक नी के ऊपर ही आएगा ये। स्टॉकिंग्स वगैरह के साथ में पहन सकते हो, और ये भी वाइट टॉप के साथ में, ब्लैक टॉप के साथ में बहुत ही सुंदर लगेगा, क्रॉप टॉप वगैरह पहन लो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये अच्छा है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ है क्योंकि आपको 250 के अराउंड मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वाओ ये वाली टॉप तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस साउंड में। तो ये है कुछ इस तरह की टॉप, जो कि मस्टर्ड येलो एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है। इसका जो मटेरियल है ना वो लाइक
गर्मी के लिए काफ़ी सही रहेगा, मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप का मटेरियल है और कॉटन मिक्स है बट थोड़ा डिफरेंट मटेरियल है। तो इस तरह से है ये टी शर्ट, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है बट इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, आई थिंक 400 रुपीज़ के अराउंड था। टॉप्स इसमें मैंने बहुत सस्ते सस्ते लिए हैं बट ये 400 रुपीज़ का अराउंड था एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ एंड क्वालिटी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ गाइस, समर हो या विंटर हो, अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है ना तो फिर चाहे आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर लो, स्किन बहुत ज़्यादा खिंचती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है यार वो फीलिंग, आप समझ सकते हो जिनकी भी ड्राई स्किन होगी, खिंची हुई स्किन चिड़चिड़ाती रहती है, वाइट वाइट लाइनिंग आ जाती है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा सर्च करते 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 मुझे पता चला कि सेटाफिल की क्लिनज़र आती है जो कि स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है और ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है। तो मैंने उसको ट्राई किया, लास्ट नवंबर से मैं ट्राई कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले छोटा वाला पैक मंगाया था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। मतलब वो ऐसा है ना कि आपको पहले वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लिनज़र के जैसे ना पूरे फेस पे जैसे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो ना वैसे अप्लाई करो एंड उसके बाद क्लीन करने के बाद या तो चाहो तो वाटर से वॉश कर लो, और नहीं आपको मन है वाटर से वॉश करने का तो जस्ट कॉटन पैड या फिर आपके पास कॉटन की रुमाल वगैरह है तो उससे क्लीन कर लो। तो अब जाके मैंने इसका बड़ा वाला पैक मंगा लिया है जो कि है पूरे 1 लीटर का। ये सस्ता पड़ रहा था इसलिए मैंने बोला कि नहीं, जब इसे यूज़ करना ही है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है ही, तो बड़ा वाला ही यूज़ करते हैं। इसे आप फेस तो क्लीन कर ही सकते हो, बॉडी भी क्लीन कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है, बिल्कुल भी स्किन ड्राई नहीं लगती है बल्कि और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि स्किन से गंदगी क्लीन नहीं होती, अच्छे से क्लीन हो जाती है स्किन, बस आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है। सो ये है सेटाफिल की जेंटल स्किन क्लींजर, ड्राई टू नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन के लिए। इसमें ग्लिसरीन है, विटामिन B3 है, प्रो विटामिंस है और ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को सूथ करता है एंड साथ ही में मॉइस्चराइज भी करता है, अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो आपको भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है ना तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने इसको ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने अभी इसका एक बड़ा सा बॉटल ले लिया है ताकि ये मैं खत्म ना हो और मैं हमेशा इसी को यूज़ करती रहूँ। आपकी भी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन से परेशान हो तो डेफिनेटली सेटाफिल की ये क्लींजर ज़रूर ट्राई करना, मैं इसे वीडियो में टैग कर दूंगी, आप व्यू प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके इसे चेक कर सकते हो। सो ये जो टॉप है ना, ये नॉर्मल सी क्रॉप टॉप है ब्राउन कलर में और इसको आप जीन्स वगैरह के साथ में, लेगिंग्स वगैरह के साथ में पहन सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का नेक मिलेगा, साथ में यहाँ पे फुल स्लीव्स है और ये थोड़ा विंटर वाला टॉप है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में आप नहीं पहन पाओगे, अभी के वेदर के लिए ठीक है, मार्च तक पहन पाओगे, अप्रैल से आप इसको नहीं पहन पाओगे, उसमें गर्मी लगेगी। बट 200 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा है, यदि आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, या फिर ऑफिस में भी AC में बैठने के लिए सही है। ओके, नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं ये दो टॉप्स, ये क्रॉप टॉप्स हैं और मैंने इनको डेनिम जैकेट के अंदर पहनने के लिए, साथ ही मैं एज अ ब्लाउज़ यूज़ करने के लिए मंगाए हैं क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस करती हूँ ना, अब हर समय हर किसी का मैचिंग ब्लाउज़ होना पॉसिबल नहीं होता है। तो जिस जिस कलर के मेरे पास ब्लाउज़ नहीं थे, मैंने सोचा कि वो मैं क्रॉप टॉप ले लेती हूँ। क्रॉप टॉप्स के साथ में ना प्लेन साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, हैवी के साथ में तो नहीं पहन सकते हैं लेकिन जो प्लेन सिफोन की साड़ियाँ, जॉर्जेट की साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ होती है ना, उनके साथ में इस तरह के क्रॉप टॉप बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट मंगाया है, ये बेबी पिंक कलर में, स्मॉल साइज़ में मंगाया है मैंने क्योंकि थोड़े से लूज़ हो जाते हैं पहनते पहनते, और फ्रंट का नेक एंड बैक का नेक कुछ इस तरह का है, स्लीवलेस है। और नेक्स्ट मैंने सेम मंगाया हुआ है, ये वाइट कलर में, और वाइट कलर का भी जो फैब्रिक है ना वो काफ़ी थिक है, इस तरह से। इस तरह के जो क्रॉप टॉप्स होते हैं ना H&M में या फिर मिंत्रा में ही 400 तक आपको मिल जाते हैं, बट यहाँ मीसो में 200 में मिल रहा था इसलिए मैंने वहीं से मंगाया। और मुझे और भी कलर्स चाहिए थे बट जो कलर मुझे चाहिए थे वो वहाँ पे थे नहीं। ये दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ है। नेक्स्ट मेरे पास और एक कोरियन टॉप है जो कि है काफ़ी अच्छा जैसा मुझे लग रहा है। तो ये भी एक पीच क्रीम कलर में कोरियन टॉप है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वी नेक मिलेगा, साथ में फ्रंट में बटन्स हैं और साथ में यहाँ पे भी आपको फुल स्लीव्स मिलने वाला है, बैक कुछ इस तरह का है। और ये भी 200 रुपीज़ के अंदर में था और इसके जो मटेरियल है ना ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब पॉलिस्टर नहीं है, कॉटन मिक्स मटेरियल है और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ना पूरे इस तरह की लाइनिंग बनाई हुई है कपड़े में,
काफ़ी अच्छा टॉप है ये, मतलब सिंपल सा टॉप है, जीन्स वगैरह के साथ में पहनो तो बहुत ही स्मार्ट लुक देगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी है, कॉलेज के लिए ऑफिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट भी एक ड्रेस है, बहुत ही सिंपल सी बट बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये। सो ये जो ड्रेस है ना, ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे मरून कलर में लिया हुआ है, पॉलिस्टर मटेरियल में है, लाइट वेट है। फ्रंट से इसका लुक कुछ ऐसा आएगा, आपको फुल स्लीव्स मिल जाएंगे। बैक में इसमें काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ना ये बांधने के लिए दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे ये इलास्टिक है और काफ़ी अच्छी सी फ्लेयर वाली ड्रेस है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है पर ठीक ठाक है। मतलब मैंने कुछ और अच्छा एक्सपेक्ट किया था कि जॉर्जेट मटेरियल वगैरह में होगा, बट ये पॉलिस्टर मटेरियल में है और लुक अच्छा था, जो मॉडल ने फोटो डाला हुआ था वो अच्छा था, बट इस प्राइस में मुझे बस ओके लगा है। नेक्स्ट है ये वाली ड्रेस जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो ये है पिंक कलर की ड्रेस। ये देखो जैसा दिखाया गया था उसी तरह का मैच करने की कोशिश की गई है, बट उसका डिज़ाइन थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा था। ये वेलवेट में पूरा सीक्वेन का काम है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये बॉडीकॉन ड्रेस है, हाफ स्लीव्स है यहाँ पे एंड इस तरह से आपकी नी लेंथ तक आएगी, साइड में यहाँ पे थोड़ा सा कट भी है। तो इस तरह से हो गई ये वाली ड्रेस। कलर इसका काफ़ी प्यारा है, मतलब कलर देख रहे हो, इसको कलर देख करके ही मैंने मंगाया हुआ था। एक वेलवेट में पिंक सीक्वेन का काम किया हुआ है ना, जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। खास करके ना नाइट पार्टीज वगैरह में बहुत अच्छी लगेगी ड्रेस, बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर ग्लैमरस सी ड्रेस है ये और बहुत ही क्यूट भी है। लाइक बर्थडे पार्टी वगैरह में भी, आपके खुद की बर्थडे पार्टी हो तो भी आप पहन सकते हो, पब वगैरह में, डिस्को वगैरह में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये थी नेक्स्ट ड्रेस। नेक्स्ट है मेरे पास और भी एक कोरियन टॉप, जो कि आई थिंक 160 रुपीज़ का है, और ये भी ना थोड़ा थोड़ा समर विंटर वाला ही टॉप है, क्योंकि इसको आप अभी मार्च तक पहन पाओगे, उसके बाद नहीं पहन पाओगे, उसके बाद गर्मी लगेगी इसमें। ये क्रॉप टॉप है और बहुत ही सुंदर सा ये ग्रीन कलर है, कॉलर का पैटर्न है जैसे कोरियन टॉप्स होते हैं, साथ में यहाँ पे इस तरह से हाफ स्लीव से स्लीव देखो इस तरह की ना डिटेलिंग दी गई है, और यहाँ बैक इसका कुछ इस तरह का है। इसे भी आप पहन सकते हो ब्लू जीन्स के साथ में या फिर वाइट पैंट्स के साथ में, प्लाजोस के साथ में, मतलब जिसके साथ भी आप पहनना चाहो। वाइट एंड ब्लू के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसकी फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब भले ही विंटर का स्टफ़ है लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मुझे मिला है ओनली 160 रुपीज़ में, उस प्राइस में तो डेफिनेटली वर्थ है। नाउ गाइस हम चलते हैं अपने लास्ट पार्सल की तरफ, जो कि है ये भी एक टॉप ही है, ये भी बहुत ही अफोर्डेबल टॉप है, अराउंड 150 रुपीज़ की टॉप है ये। इस तरह से यहाँ पे आपको राउंड नेक मिल जाएगी, यहाँ पे कट है, साथ में यहाँ पे बांधने के लिए दिया हुआ है और इसमें भी आपको फुल स्लीव्स मिलेगी और स्ट्रेचेबल टॉप है, बॉडी हगिंग जो स्ट्रेचेबल टॉप्स होते हैं ना वो है, और ये भी आप अभी मार्च तक ही पहन पाओगे, ये समर के लिए नहीं है, समर में आपको गर्मी लगेगी या फिर आप दिन भर ऑफिस में एसी में बैठ के काम करते हो तो आप इसको आराम से पहन सकते हो, दिन भर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ ऐसे नॉर्मल आप बाहर धूप में घूम रहे हो तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्वालिटी भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है, मे बी ना अभी विंटर खत्म होने वाला है इसलिए इन सारे टॉप्स के प्राइस इतने ज़्यादा कम हो गए हैं, मतलब हाफ़ कर दिए गए हैं। अदरवाइज़ यही चीज़ है ना, मीशो में उस टाइम पे 300 रुपीज़ के आसपास में मिल रही थी और अभी ये 150-160 में मिल रही है। तो आप भी इस तरह की चीज़ें ना जो बेसिक है या हमेशा ही काम आती है तो आपको परचेस करना है तो आप करके रख सकते हो, हाफ प्राइस में मिल रहा है, क्या बुरा है। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को सारे आइटम पसंद आए होंगे, सभी के कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर क्लिंजर को मैं वीडियो में टैग कर दूंगी, आप जस्ट व्यू प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके इन्हें बाय कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है यार। अब मेरे स्किन का जो वो चरचराना था ना, खिंचना था ना, वो बंद हो गया है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और स्किन अच्छे से क्लीन भी हो जाती है, तो उसे मैं वीडियो में टैग कर दूंगी, आप देख लेना। एंड बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।